कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा असलम की जेर इस्तार वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें प्राइस कंट्रोल खिदमत मुहिम कोरोना इंसदाद डेंगू और स्मॉग मुहिम के इकदाम का जायजा लिया गया। डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ राजनपुर और लैया अजला के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने सारा असलम ने कहा कि दुकानदारों को पुरतनोश की सरकारी नर्ख पर दस्तियाब यकीनी बनानी चाहिए। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि हुकूमत पंजाब की घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में डेरा गाजी खान और लैया की कारकर्दगी बेहतर रही है और वो ग्रीन जोन में दाखिल हो चुके हैं। दीगर अजला भी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। तालीमी इदारों में 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन 15 नवम्बर तक मुकम्मल कराई जाए। मार्केटों और दीगर मकाम पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रखा जाए। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि डेंगू और स्मॉग से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम करने के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। मुहिम की कामयाबी फाल किरदार म्यूनसिपल सर्विसेज सफाई और सीवरेज के मामलों में बेहतरी के साथ जायज शिकायत के अजाले और मसाइल के हल में अफसरान की अदम दिलचस्पी और कोताही कतअन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर सारा असलम को ब्रीफिंग में बताया गया कि चारों अजला के 111 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 10 रोज के दौरान मार्केटों के 9894 मुआयने किए और 2088 मकाम पर गिराफरोशी जखीरांदोजी और प्राइस कंट्रोल एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जी पर 67 मकाम मुकदमा दर्ज करके 67 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया।